अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। ये हमारे पास एक रिसीवर आया है। इस रिसीवर का मसला है कि ये जो है ना, कोई भी चैनल नहीं चला रहा। तो हम इसको चेक करते हैं क्यों नहीं चला रहा। ये देखें इसका स्क्रीन पे, कोई भी चैनल नहीं चला रहा, कोई भी चैनल ये नहीं चला रहा। कोई भी चैनल इस पे नहीं चल रहा। ये मैं 95 डिग्री का कोई भी चैनल लगा के आपको चेक करवाता हूँ। 95 डिग्री का ये देखें दोस्तों, ये मैंने इस पे 95 डिग्री सेट कर दी है। अभी ये मैं इस पे चैनल लगाने लगा हूँ। ये बहुत बड़ा ये बी फॉर यू मूवी जो है ये। अभी इसका मसला ये है कि ये रिसीवर का मसला है। ये देखें इस पे ना सिग्नल नहीं आ रहा। तो ये देखें दोस्तों, इस पे सिग्नल नहीं आ रहे। ये नो सिग्नल आ रहा है सैटेलाइट पे ना, ये नो सिग्नल। तो अभी इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या मसला है, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों ये मीटर है, आपने इसको जो है ना 200 डीसी की रेंज पे रख लेना। तो इसकी एक प्रॉब जो है आपने ग्राउंड कर देनी है। तो ये सप्लाई है इसकी, इसकी सप्लाई जो है, इसकी सप्लाई पे दो नंबर पिन जो है ना, ये ग्राउंड है। मैंने इसको इधर लगा दूंगा। ये भी ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट और ये ग्राउंड, ये भी ग्राउंड है। इधर मैं इसको लगा दूंगा। मैंने इधर लगा दी। अभी इस पे मैं वोल्टेज चेक करूंगा सप्लाई पे। ये आप देख सकते हैं मीटर पे 5 वोल्ट आ गए। ये 5 वोल्ट इधर आ गए और दूसरे डायोड पे 13 वोल्ट आ गए। तो अब हम चेक करेंगे कि कहाँ इसका मसला है। दोस्तों ये आप इस सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ इसकी एक कॉइल लगी हुई है। ये जो कॉइल है ना, इस पे 12 वोल्ट आने जाएंगे कॉइल। जब इस पे 12 वोल्ट आएंगे तो ही ये सेक्शन काम करेगा। तो इधर आप चेक कर सकते हैं, ये लीड है। ये जो आपके एंटीने वाली पिन है, आप इस पे चेक करेंगे। मैं इस पे चेक करूँगा। इधर देखें ये करंट इधर नहीं आ रहा। ये देखें इधर नहीं आ रहा करंट। हम इधर से चेक करेंगे तो इस कॉइल पे देखें करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ भी करंट नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा। तो इधर चेक करेंगे ये कौन सी लाइन है। तो दोस्तों ये जो लाइन आ रही है ना 12 वोल्ट की, ये 12 वोल्ट है, ये आ रही है लाइन।
ये आ रही है इसके नीचे से, ये नीचे से आ रही है इधर से, ये सीधी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। चेक करवाता हूँ, ये आप देखें यहाँ 12 वोल्ट आ गए। यहाँ 13 वोल्ट आए हैं, यहाँ पे 13 वोल्ट हैं लेकिन इस कॉइल पे नहीं है, ये देखिए इस कॉइल पे नहीं है। तो जस्ट आपने करना ये है कि एक डायोड ले लेना है आपने, डायोड आम डायोड से, आम सा डायोड ले लेना है। तो ये मैंने डायोड ले लिया, तो नंबर आपको चेक करवाता हूँ, IN53999। तो आपने ये जो डायोड है ना, जस्ट आपने करना क्या है, आपने ये डायोड यहाँ इसके 13 वोल्ट आ रहे हैं, ये देखें इस पे, इस पॉइंट पे 13 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ 13 वोल्ट आ रहे हैं, 13 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ से डायोड लगा के आपने इस कॉइल पे लगा दें, इस कॉइल पे यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के यहाँ से डायोड, तो उसका जो पॉजिटिव वाला सिरा है डायोड का वो आपने इस कॉइल पे लगा देना, तो इंशाल्लाह आपका रिसीवर ठीक हो जाएगा। अभी हम लगाते हैं फिर आप चेक कराते। ये देखें दोस्तों, मैंने ये डायोड लगा दिया है, ठीक है जी। आपने ये डायोड इधर 13 वोल्ट करंट था, इधर 13.4 वोल्ट, तो यहाँ से आपने डायोड लगा के सीधा इस कॉइल पर लगा देना है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, अभी मैं आपको इसको ऑन करके चेक करवाता हूँ। ये मैंने रिसीवर ऑन कर दिया जी, क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नो सिग्नल है। तो इधर देखें मीटर पे, और ये मैं आपको वोल्ट चेक कराता हूँ, ये देखें इधर 13.9 वोल्ट आ गए, ठीक है। अभी हम इसको डिश की तार लगा के देखेंगे क्या चलता है। ये हमारा रिसीवर अभी चल चुका है, ये रिसीवर दोस्तों हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, ऑन हो चुका है, ये देखिए। तो इधर देखिए चल रहा है ना। तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी किया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और ऐसी सॉल्यूशन टिप्स आपको देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। तो हमें याद रखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।